कभी समीर का ख्वाब देखती नैना, तो कभी समीर की तलाश में भटकती नैना, कभी नैना से प्यार जताता समीर, तो कभी नैना से मिलकर भी नहीं मिल पाता समीर। जी हाँ, नैना अहमदाबाद से पहुंच गई है दिल्ली सिर्फ और सिर्फ समीर से एक मुलाकात करने के लिए, और देखिए कैसे अकेले में वो याद कर रही हैं अपने समीर को। मैं दिल्ली आ गई हूँ अहमदाबाद छोड़ के समीर के पास, बहुत मेहनत बहुत मुश्किल से, लेकिन अभी भी मैं समीर से नहीं मिल पाई हूँ। तो आई जस्ट विश कि मैं अहमदाबाद वापस जाने से पहले समीर से मिल लूँ, एटलीस्ट एक बार तो मिल लूँ, एटलीस्ट वो दिख तो जाए। मैं अभी तक उसे देख भी नहीं पाई हूँ, मतलब यहाँ पे आना ऐसा लग रहा है वेस्ट हो रहा है, लेकिन स्टिल बिल्कुल सही जा रही हो नैना। और देखिए समीर से मिलने की चाहत आपको उसके घर तक खींच लाई, लेकिन अफसोस समीर की दादी ने आकर इनके मिलन पर ब्रेक लगा दिया, ये कहकर कि ये समीर का घर नहीं। बेचारी नैना मायूस होकर चली तो जाती है, लेकिन समीर को उसके आसपास होने का एहसास हो जाता है। किसी भी प्यार में दूरियां होती है तो वो प्यार गहरा होता है, प्लस हिट एंड मिस अगर होता है कि हमें पता है, हम महसूस कर रहे हैं कि हम जिससे प्यार करते हैं हमारे आसपास है बट हमें दिखता नहीं है, तो वो बेस्ट फीलिंग होती है। ऐसे मैंने एक्सपीरियंस नहीं करी है पर्सनली, बट शूट के दौरान मैं वो एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, तो आई थिंक जितना मज़ा हमें शूट करते वक्त आ रहा है उतना ही मज़ा हमारी ऑडियंस को देखते वक्त आएगा। अरे जनाब, ये इश्क नहीं आसान, इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है, डूब कर ही जाना है, और अभी तो आप दोनों के मिलन में और भी बाधाएं आने वाली हैं। अभी से ही कमर कस लीजिए। लतिका पंडित, मुंबई, आज तक।